हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरती चौहान आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड पर स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम आपकी जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा 10वीं की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 21 और जिसकी डेट है 22 अगस्त, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढ निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। देखिए, इसमें हमने जो पहली वर्कशीट्स आई थी वो भी किसकी थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्रक होते हैं। तो हमने पहले क्या पढ़ा था वर्कशीट में कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मेनली 3 क्षेत्रक होते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्रक, एक होता है द्वितीयक क्षेत्रक और एक होता है तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे कि कृषि है ना, और द्वितीयक क्षेत्रक जो इनसे, मतलब कोई इन इससे रो मटेरियल लिया पहले वाले से और फिर और कोई प्रोडक्ट बनाया तो वो क्या था, द्वितीयक क्षेत्रक। और तृतीयक क्षेत्रक था जो इन में हेल्प करता है आगे जाके, जैसे बैंक है, इस तरीके से तृतीयक क्षेत्रक होते हैं, ठीक है। लेकिन इस वर्कशीट में हमें ये बताया जा रहा है कि अगर हमें अर्थव्यवस्था को क्लासिफिकेशन करना हो तो क्लासिफिकेशन करने के, वर्गीकरण करने के और भी तरीके हैं। कैसे कैसे अब हम इसे वर्गीकरण करेंगे, तीन तो, एक तो हमने वो करा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और एक दूसरे तरीके से भी हम करते हैं इसको, सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक। कि सार्वजनिक क्षेत्रक कौन सा है और निजी क्षेत्रक कौन सा है, संगठित क्षेत्रक कौन सा है और असंगठित क्षेत्र को क्या क्या विशेषता होती है उसमें, ये सब देखते हैं। देखो, जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर, परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण, मतलब गवर्नमेंट कभी भी असत पर ओनरशिप दिखा सकती है कि ये गवर्नमेंट का है, ठीक है। और इसका जो पर्पज़ होता है, केवल ऐसा ही नहीं होता कि हमें बस क्या करना है, पैसा कमाना है। मतलब जैसे आप आज देख लो, कोविड-19 के टाइम में बसेज हैं दिल्ली में, आपको लगता है कि पैसा कमाने के लिए चल रही है, बिल्कुल भी नहीं चल रही। 20 लोगों को बैठाती है, उसमें तो पेट्रोल का खर्चा नहीं निकलता होगा। तो वही चीज़ है कि इन सेक्टर्स में, या स्कूल है, स्कूल में क्या आपको ऐसा लगता है कि फीस जो लेते हैं उससे सारा खर्चा निकल जाता होगा या पैसा कमाया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उनका कई बार मोटो पैसा कमाना ही नहीं होता, वेलफेयर ऑफ द पीपल भी होती है, मतलब लोगों का हित भी होता है, रोजगार की सुरक्षा होती है। और जो सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होते हैं या जो जिनको वहाँ पर रोजगार मिलता है, जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, आप इस तरीके से समझिए, उनकी रोजगार की सुरक्षा की गारंटी होती है। कैसे, उनका एक टाइम पीरियड निश्चित होता है कि 60 साल तक, 62 तक, 65 तक, इतने साल तक उनकी नौकरी बनी रहेगी, ठीक है। और सभी जो सेवाएं होती हैं उनकी सरकार उपलब्ध कराती है, मतलब उनको HRA देना है या उनकी मेडिकल फैसिलिटीज जैसे कि EPF और ये सब चीज़, सारी चीज़ कौन करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें कौन देती है, गवर्नमेंट देती है। सवैतनिक छुट्टी और अन्य सेवाएं दी जाती है, ऐसी भी छुट्टी होती है कि आप CCL ले सकते हो, कि आपको कोई प्रॉब्लम आई, CCL ले ली, कुछ PL मिलती हैं, पेड लीव्स होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं, आपको सुविधाएँ बहुत मिलती हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, जैसे हमारी भारतीय रेलवे है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अब आगे देखेंगे हम, आप चिंता न करो, अभी क्वेश्चन आएगा तो सब पता चलेगा। अच्छा, निजी क्षेत्र क्या होते हैं, अब हमें सार्वजनिक क्षेत्र का पता चल गया जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर है, और निजी क्षेत्र क्या होते हैं जो, मतलब एक पर्टिकुलर विशेष किसी पर्सन के होते हैं। निजी क्षेत्र की क्या विशेषताएँ होती हैं, परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व, मतलब मान लो मैंने कोई फैक्ट्री लगाई तो मेरा अपनी ओनरशिप है, मतलब मैं उसका मालिक हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से, या कोई किसी ने पार्टनरशिप में करी है तो वो है, इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। और जब हम कोई फैक्ट्री डालते हैं, कुछ भी काम हम शुरू करते हैं, तो मेन मोटो क्या होता है उस चीज़ का, कि पैसा कमाना है ना, मेन चीज़ क्या देखते हैं कि पैसा आना चाहिए बस, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आना चाहिए, रोज़गार की सुरक्षा नहीं होती। और यहाँ पे कोई काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आज वो है कल वो नहीं है, आपको पता भी चल गया होगा कोरोना में कितने सारे लोगों की जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे नौकरी चली गई है, निकाल दिया है या आधी सैलरी पे काम कर रहे हैं, तो रोज़गार की इनकी सुरक्षा नहीं होती। सारी चीज़ें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध कराती है, मतलब
कोई भी काम है तो उसको जिस उसमें फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं कुछ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको वो सारी चीज़ें देनी जो आपको रिक्वायर है उस चीज़ को करने के लिए बनाने के लिए, ठीक है। सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं सामान्यतः प्रदान नहीं की जाती और इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको CCL मिलेगी PL मिलेगी इसमें तो। और क्या होता है जो आपकी मेन छुट्टी मिलती है, मान लो आपको 26 जनवरी 15 अगस्त या 2-4 दिवाली होली ईद इस तरीके की, अदरवाइज और कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। मतलब अगर आप जा रहे हो छुट्टी करके तो आपकी सैलरी कटेगी। उदाहरण टिस्को, जैसे टिस्को कंपनी है इस तरीके से, ओके आपको समझ में आया होगा मुझे पूरा यकीन है। आप देखिए संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक कौन से होते हैं, जहाँ पे सही वेतन मिलता है, उचित वेतन मिलता है संगठित क्षेत्रक में, है ना, सही भाई, वेल ऑर्गेनाइज और वेल सिस्टमेटिक को भी तो बोलेंगे संगठित, जो सब सही तरीके से चल रहा है, कार्य के निश्चित घंटे और उसमें टाइम का एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि तुम्हें 8 से 6 काम करने हैं। जैसे हमारे स्कूल जाने का टाइम है बच्चों, स्कूल जैसे हम 7 से 1 बजे तक जाते हैं या 12:40 तक, वही बात है। तो वो क्या है, हमारा होता है एक निश्चितता, कार्य के निश्चित घंटे। नौकरी की भी निश्चितता होती है, कैसे 60 साल तक नौकरी से कोई नहीं निकालेगा या 62 ईयर्स तक हम बिल्कुल सेफ हैं इस तरीके से। कार्य की बेहतर परिस्थितियाँ और यहाँ पे हमें काम करने के लिए अच्छी जो सिचुएशन है वो मिलती हैं, अच्छी परिस्थितियाँ मिलती हैं। आप देखिए एग्जांपल क्या है, जैसे बैंकिंग है, संगठित क्षेत्र एकदम संगठित है, टाइम से आते हैं लोग, टाइम से जाते हैं, यहाँ पे ये करना है वहाँ पे ये करना है, सारे स्टेप्स उनके वेल ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक हैं, ठीक है। असंगठित क्षेत्र कौन सा होता है, असंगठित समझ में ही आ रहा है, इसमें कुछ प्री प्लान्ड या कुछ ऑर्गेनाइज तो नहीं होता होगा और इसमें कम वेतन मिलता है, काम ज़्यादा करना पड़ता है कम वेतन मिलता है, और कार्य का समय कोई निश्चित नहीं कि किस टाइम करना है, जैसे होता है आपका इसमें गवर्नमेंट में क्या हुआ, गवर्नमेंट में होता है कि आपको काम करने का एक टाइम होता है कि इतने से इतने घंटे काम करना है, लेकिन प्राइवेट में नहीं होता ऐसे, कार्य का समय निश्चित नहीं होता, नौकरी की अनिश्चितता बनी रहती है। अगर कोई भी क्रिटिकल कंडीशन आई और कंपनी के पास काम नहीं है तो क्या करता है वो, सबसे पहले छटनी कर देता है। तो ये होता है कर्मचारी योजनाओं का अभाव, और वहाँ ऐसी कोई अभाव नहीं मिलती, मान लो हम बीमार हो गए हैं कुछ हो गए और हमने कवर नहीं ले रखा मेडिकल कवर, तो कंपनी कोई कवर नहीं देने वाली, अब वो हमारे ऊपर ही आ जाएगा सब कुछ, तो ऐसा होता है जो प्राइवेट कंपनी में। निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियाँ और बहुत ही लोअर क्वालिटी की कार्य परिस्थितियाँ होती हैं, आदमी को जैसे काम ज़्यादा करना पड़ता है, सैलरी कम मिलती है लेकिन करना है। निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियाँ हो गया हमारा, तो इसका उदाहरण देख लो, उदाहरण क्या है इसका, जैसे पटरी, ठीक है, इसका ये उदाहरण है, जैसे उदाहरण रेडी वाले पटरी वाले, तो इनका क्या है, ये असंगठित क्षेत्र के हैं, इनका ऐसा नहीं है कि वो इतने घंटे काम करेंगे, वो किसी भी से किसी टाइम भी कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक व निजी क्षेत्रक की तुलना करो, तो तुलना तो इन्होंने कर ही रखी है, देखिए ये दोनों पॉइंट हैं, ये तुलना ही तो कर रखी है, ये ऐसा होता है ये ऐसा होता है, अपने शब्दों में लिखना हो तो इस तरीके से लिखिए। सार्वजनिक क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है, इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना ही नहीं जबकि कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा भी होती है, जिसमें सभी सेवाएँ सरकार उपलब्ध कराती है, और जैसे रेलवे, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी बैंक आदि, ठीक है। और उसका क्या हो गया दूसरे का, जबकि अगर निजी क्षेत्र की बात करें, है ना, निजी क्षेत्र की बात करें तो निजी क्षेत्र में क्या होता है, इसमें परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है, इसका उद्देश्य पूरी तरीके से अधिक पैसा कमाना है, कर्मचारियों के रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती, सारी सुविधा एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध कराती है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा समूह, इस तरीके से ये क्या है, ये हैं आपके निजी क्षेत्र और एयरटेल, मतलब और भी बहुत सारे हैं, तो एक दो के मैंने इसमें एग्जांपल लिख दिए हैं। असंगठित क्षेत्र की समस्याओं पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए, तो आपको समझ में तो आ गया कि असंगठित क्षेत्र में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, तो आप लिख सकते हैं क्या क्या होती हैं। इनका जो नियंत्रण है प्राइवेट कंपनियों में होता है,
संगठित क्षेत्र द्वारा नियंत्रण किए जाते हैं। संगठित क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाने के साथ लोगों को कल्याण करने वाला भी होता है, वहीं असंगठित क्षेत्र का उद्देश्य केवल लाभ कमाना है। ठीक है, असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कंपनी जैसे प्रिया, पतंजलि आदि आते हैं, जबकि संगठित क्षेत्र में रेल की सुविधा आती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। असंगठित क्षेत्र की समस्याओं पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए, है ना। ये तो हमने लिख दिया निबंध, अब देखते हैं जो है सार्वजनिक क्षेत्रक व निजी क्षेत्रक के पांच पांच उदाहरण। देखिए आपको मैं दोबारा दिखा देती हूँ, सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक की तुलना तो हमने ये करी थी। ठीक है, ये तो है इसका आंसर, ये रहा। ठीक है, और जो सेकंड क्वेश्चन था संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक की तुलना, ये हमने ये करी। ठीक है, इसमें ये क्या होते हैं, दोनों बिल्कुल अलग है, इनमें अंतर है। असंगठित क्षेत्र प्राइवेट कंपनियों के नियंत्रण में होते हैं, संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। संगठित क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाने के साथ लोगों का कल्याण करना होता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, मतलब आप यहाँ से लेके, यहाँ से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन और कहाँ तक है इसका आंसर, इसका आंसर है यहाँ तक। अब असंगठित क्षेत्रों की समस्या क्या होती है, जो तीसरा पूछा है, बेहद कम आमदनी होती है असंगठित क्षेत्रों में, लोगों को कम पैसे मिलते हैं, श्रमिकों की आय संगठित क्षेत्र की तुलना में कम ही नहीं बल्कि कई बार तो जीवन स्तर के न्यूनतम निर्वाह के लायक भी नहीं होती। अस्थायी रोजगार होता है, कभी भी चली जाती है, रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी कोई हटा देता है। श्रम कानूनों के तहत नहीं आते, जो श्रम कानून बनाए हुए हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, जो हमारे एक्ट बने हुए हैं, तो अधिकांश असंगठित श्रमिक ऐसे उद्यमों में काम करते हैं जब श्रमिक कानून लागू ही नहीं होते, इसलिए उनकी जो कंडीशन है वो सुरक्षित नहीं होती और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये है इनकी समस्या असंगठित क्षेत्रों की। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्रक व निजी क्षेत्रक के पांच पांच उदाहरण। तो देख लो आप पांच पांच उदाहरण, ये रे सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BHEL, BSNL, भारतीय रेल, एयर इंडिया। और निजी क्षेत्र के क्या उदाहरण है, जो प्राइवेट सेक्टर है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा समूह, आदित्य बिरला समूह, विप्रो लिमिटेड, HDFC बैंक। और ये आज की वीडियो, ये आज की वर्कशीट ख़त्म होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है मेरी वीडियो से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम अपने 20 दोस्तों को भेजना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।